दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लौंडे की है जिसको एक 35 साल की औरत से प्यार हो जाता है और वो लौंडा उस औरत के पीछे ऐसा पागल हो जाता है कि जहाँ देखो वहीं भटाभट 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 करने लगता है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। अगर आपको फुल खुल्लम खुल्ला सीन देखना है तो अभी हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहानी की शुरुआत इसी लौंडे माइकल के साथ होती है जो कि एक वकील होता है। एक दिन माइकल अपनी विंडो से बाहर एक ट्रेन को देखता है जिसे देखकर उसे अपना बचपन याद आ जाता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हम माइक के छोटे वर्जन को देखते हैं। इस टाइम एक स्कूल में पढ़ता था। एक दिन स्कूल से वापस आते वक्त माइक की तबीयत खराब हो जाती है और वो धे उल्टी करने लगता है। तभी एक कंडक्टर हेमा वहां पर आकर उसकी हेल्प करती है और उसकी उल्टियों को भी साफ कर देती है और उसे सही सलामत घर छोड़ देती है, जहां पर डॉक्टर बताते हैं कि माइक को बुखार हुआ है और उसे अगले 3 महीनों तक घर पर ही रहना पड़ेगा। अब ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और एक दिन माइक अपनी मॉम को बताता है कि उस दिन एक औरत ने मेरी मदद की थी और वो मुझे घर तक भी छोड़ने आई थी। तो उसकी मॉम कहती है, बेटा जाओ उस औरत को शुक्रिया अदा करके आओ। अगले ही दिन माइक हेमा के घर चला जाता है, जहाँ पर हेमा उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछती है और कहती है, अच्छा सुन मुझे काम पर जाना है, मैं कपड़े चेंज कर लूँ, तू जरा बाहर थोड़ा वेट कर। फिर जब हेमा कपड़े बदल रही थी तो माइक उसे बाहर से ताड़ने लगता है। तभी हेमा माइक को देख लेती है जिससे डर के वो तुरंत वहां से भाग जाता है। इसके बाद माइक रोज ट्रेन में छुपकर हेमा को देखता रहता था, लेकिन उसकी हेमा के पास जाकर बात करने की हिम्मत नहीं होती। एक दिन फिर से माइक हेमा के घर से मिलने जाता है, जहाँ पर हेमा उसे नीचे से कोयला लाने को बोलती है। फिर जब माइक कोयला लेकर ऊपर आता है तो वो पूरा काला हो चुका था। तो हेमा कहती है, तुम इस हालात में घर कैसे जाओगे, लाओ मैं तुम्हें साफ कर दूं। और ये बोलकर वो माइक को नहलाने लगती है और खुद भी नहाने लगती है और कहती है, तू यही चाहता था ना। और इसके बाद वो दोनों भटाभट 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 करते रहते हैं। जब माइक घर पर आता है तो उसके डैड कहते हैं, हाँ भाई कहाँ था इतनी देर से। तो माइक कहता है, पापा मैं बस एक झाड़ियों में खो गया था। तो उसकी बहन बोलती है, पापा ये झूठ बोल रही है। लेकिन माइक की मॉम उसका सपोर्ट करती है कि मेरा लौंडा ऐसा नहीं है। माइक बोलता है, अब मैं कल से स्कूल जाऊंगा और अब मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ। लेकिन ये झोपड़ी का हर रोज स्कूल जाने की बजाय स्कूल गोली मार के हेमा की बंदूक में गोली लोड करता रहता है, यानी डेली भटाभट 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 करता ही रहता है। और अब ऐसा ही चलता रहता है चाहे दिन हो या रात। एक रात हेमा माइक से बोलती है, तुम मुझे ये बुक पढ़कर सुनाओ, जब भी मैं तुमसे भटाभट भटाभट करूंगी। माइकल भी इसके लिए मान जाता है और वैसे ही करता है और वो दोनों काफी मजे करते हैं। एक दिन माइकल हेमा को अपने साथ डेट पर चलने को बोलता है, जिस पर वो हाँ कर देती है। माइकल अपने स्कैम कलेक्शन में से कुछ स्कैम सेल आउट कर देता है ताकि वो उसे कुछ खिला सके। अगले दिन ये दोनों साइकिल से डेट पर जाते हैं और बहुत मजे लेते हैं। अब माइकल हेमा से जी तोड़ मोहब्बत करने लगा था और हेमा भी उसे लाइक करने लगी थी। फिर वो दोनों लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ की मेन्यू बुक देख कर हेमा कुछ ऑर्डर नहीं देती है। वो बोलती है, तुम जो ऑर्डर करोगे वो मैं खा लूंगी। खाना खाने के बाद जब माइक पैसे देने जाता है तो वहाँ की वेटर को लगता है हेमा माइक की माँ है, लेकिन ये झोपड़ी का हेमा के पास जाकर उसे किस कर देता है जिससे वेटर का भी दिमाग घूम जाता है। इसके बाद ये दोनों झील के पास जाते हैं। वहाँ पर माइक हेमा के लिए एक पोयम लिख रहा होता है। तो हेमा कहती है, क्या लिख रहा है मुझे भी बता दे चिकने। तो माइक कहता है, अभी ये पूरी नहीं हुई। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर वही पोयम की बुक माइक के हाथ में होती है। उसके बाद माइकल एक केस के सिलसिले में एक कोर्ट जाता है। वहाँ पर माइकल कोर्ट रूम में बैठा होता है तो उसे फिर से पुरानी बात याद आने लगती है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। माइक की क्लास में एक सेफी नाम की लड़की थी जो कि उसे दबा के मोहब्बत करती थी, पर माइक उसे हमेशा इग्नोर कर देता था क्योंकि वो हेमा को लाइक करता था। एक दिन हम देखते हैं कि हेमा का प्रमोशन हो गया है। ये सुनकर वो बिल्कुल सैड हो जाती है और इसी वजह से वो माइकल के बर्थडे वाले दिन उससे झगड़ा कर लेती है। लेकिन माइकल उसे फिर भी मना लेता है और वो आखिरी बार भटाभट 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 करते हैं। इसके बाद अगले दिन हेमा माइकल को बिना बताए घर से चली जाती है। अगले दिन जब माइकल हेमा के घर आता है तो वो देखता है कि हेमा का घर पूरा खाली है और वो वहां से जा चुकी है। ये देखकर इसका दिल टूट जाता है और वो उदास रहने लगता है। अब धीरे धीरे 8 साल बीत जाते हैं। अब माइकल 23 साल का हो जाता है और वो अब एक लॉ कॉलेज में होता है। फिर एक दिन कुछ स्टूडेंट को कॉलेज की तरफ से एक केस देखने के लिए कोर्ट में लाया जाता है। ये केस उन औरतों का था जिन पर ये आरोप होते हैं कि उन्होंने 300 जूस औरतों को एक जलते हुए चर्च में मरने के लिए छोड़ दिया था। वहाँ पर जो औरतें गार्ड की नौकरी करती थी उनमें हेमा भी होती है जो उस टाइम कोर्ट में होती है। हेमा को कोर्ट में देखकर माइक बावला हो जाता है क्योंकि जहाँ माइक हेमा को भूलने की कोशिश कर रहा था, हेमा को देखते ही उसे फिर से सब कुछ याद आने लगता है। उस कोर्ट में उन औरतों के खिलाफ एक औरत होती है जो कि एक जूस औरत होती है। वो हेमा को पहचानती है और बोलती है कि हेमा एक पर्सन को चुनती थी जो उसे बुक पढ़कर सुनाती थी। जब जज हेमा से पूछते हैं तो वो बताती है कि हम लोग 10 लोगों को चुनते थे जिन्हें बाद में मार दिया जाता था। हेमा ये भी बताती है कि चर्च में 300 जूस औरतों का मरना कोई एक्सीडेंट नहीं था, उसे एक्सीडेंट बना के जो रिपोर्ट लिखी गई है उनमें की गई साइन मेरी नहीं है। लेकिन हेमा के साथ की बाकी औरतें उसके खिलाफ बोल
बोलती हैं। वो बोलती हैं कि उस दिन चर्च की इंचार्ज हेमा ही थी और जब चर्च में आग लगी थी तो उसने जानबूझकर गेट नहीं खोला और उसकी झूठी रिपोर्ट भी हेमा ने ही लिखी थी। इसके बाद जब हेमा को उसके साइन का सैंपल देने को कहा जाता है तो वो साइन के लिए मना कर देती है और वो अचानक से सारे गुनाह कबूल कर लेती है। ये देखकर माइक को पता लगता है कि हेमा अनपढ़ है और ये बात वो सबसे छुपाया करती थी, इसीलिए वो पहले खुद बुक नहीं पढ़ती थी और उस रेस्टोरेंट में भी वो खुद ऑर्डर नहीं दे पाई थी। और जब उसे प्रमोशन मिला था तो उसे ऑफिसियल जॉब मिली थी, जिस वजह से उसे डर था कि सबको पता न चल जाए कि वो अनपढ़ है, इसीलिए उसने जॉब की नौकरी को छोड़कर यहाँ पर गार्ड की नौकरी करने लगी। माइकल समझ गया था कि ये सारी औरतें हेमा को फंसा रही हैं। वो उसके लिए अपने प्रोफेसर से हेल्प मांगता है लेकिन प्रोफेसर उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाते क्योंकि हेमा ने खुद ही खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया था और वो सबसे छुपा रही थी कि वो अनपढ़ है। अब उसे बचाने का एक ही रास्ता था कि उसे सबके सामने कबूल करना होगा कि वो अनपढ़ है। अब ये बात माइकल हेमा को बताने जेल में जाता है लेकिन वो उससे बिना मिले ही वापस आ जाता है क्योंकि जो तकलीफ हेमा ने उसे दी थी वही तकलीफ वो हेमा को देना चाहता था। अगले दिन हेमा को कोर्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और बाकी औरतों को सिर्फ 4 साल की सजा। अब इसके बाद माइकल अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है और वो शादी भी कर लेता है और उसकी एक जूलिया नाम की बेटी भी होती है लेकिन माइकल कभी भी अपनी बीबी से प्यार नहीं कर पाया क्योंकि वो अभी तक हेमा से प्यार करता था। इसी वजह से उसका तलाक हो जाता है और उसकी बेटी उससे दूर हो जाती है। एक दिन माइकल को वही पुरानी बुक मिलती है जो वो हेमा को पढ़कर सुनाया करता था। फिर माइकल उन बुक की रिकॉर्डिंग करता है और उनको हेमा के पास भेज देता है। हेमा उन रिकॉर्डिंग्स को सुनकर और जेल की लाइब्रेरी में से कुछ बुक्स को पढ़कर खुद ही पढ़ना लिखना सीख जाती है। इसके बाद हेमा माइकल को एक लेटर भी लिखती है लेकिन माइकल उन लेटर का एक भी जवाब नहीं देता। अब जेल में हेमा को 20 साल हो जाते हैं और आज उसे छोड़ा जा रहा था। हेमा के छूटने से पहले माइक एक हफ्ते पहले हेमा से मिलने जेल में आया था जहां वो उससे सही से बात नहीं करता है। हेमा उसे बताती है कि मैंने गार्ड बनने के बाद जो भी गलतियां की है उसे उस गलती का बहुत पछतावा है। जिस दिन हेमा रिहा होने वाली थी उस दिन वहां पर जब माइक पहुंचता है तो वो देखता है कि उसने सुसाइड कर लिया है, जहां पर हेमा ने उसे एक लेटर लिखा था कि ये पैसे हेमा की लाइफ टाइम की कमाई है और वो ये चाहती है कि इन पैसों को उन जूस परिवार के लोगों को डोनेट कर दिया जाए जो उस दिन चर्च में जलकर मारे गए थे और वो ये काम माइकल को करने को बोलती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि माइक अपनी बेटी जूलिया से मिलता है जो कि पेरिस से वापस आई थी। इसके बाद माइक जूलिया को हेमा की कब्र के पास ले जाता है और उसको अपनी लव स्टोरी सुनाने लगता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों इस मूवी का नाम है द लीडर जो कि साल 2006 में रिलीज हुई थी। अगर आपको खुल्लम खुल्ला सीन देखना है तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।